हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ सुप्रिया, आपका स्वागत है मेरे किचन में, यानी कि सुप्रियाज इजी मील में। चलिए आज देख लेते हैं हम आपके लिए क्या रेसिपी लेके आए हैं। हम आज लेके आए हैं मेथी का थेपला, गुजराती मेथी का थेपला है। तो चलिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। आटा है मेरे पास, गेहूं का आटा 4 कप, मेथी के पत्ते हैं मेरे पास 1 कप, ग्राम्स में कहे तो अबाउट 250 ग्राम्स है। इसको मैंने अच्छे से धो के सुखा के बारीक काट लिया है। और दही है मेरे पास 1 कप, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून अजवाइन है, 3 से 4 ग्रीन चिलीज है और 3-4 गार्लिक क्लोव्स है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। इसको हम रफली क्रश कर लेंगे। नमक चाहिए होगा हमें स्वाद के अनुसार। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और वेजिटेबल ऑयल 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा आटा लगाते वक्त। और बाकी का तेल हमें यूज़ करेंगे पराठे थेपले को सेकने के लिए। तो चलिए प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको रफली क्रश कर लेते हैं पहले। तो चलिए क्रश कर लेते हैं, इसको मोटर और पेसन में डाल के रफली क्रश कर लेंगे। हमने इसको रफली क्रश कर लिया, आप देख सकते हैं ये थोड़ा दरदरा है, मोटा है। चलिए अब प्रोसेस शुरू करते हैं। आटा लगाते हैं हम सबसे पहले। आटे के बीच में हम गहराई बनाएंगे और इसमें डालते हैं मेथी के पत्ते। नमक डालते हैं 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अजवाइन डाल देते हैं, जीरा, दही डाल देते हैं, अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। हम इसको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। मिला लेते हैं हम इसको पहले। हमने इसको अच्छे से मिला लिया ऊपर नीचे करके। अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालते हुए इसका हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका हम सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे। हमने इसका सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। डो इसका ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसको हम एक बार अच्छे से मिला के इसको हम ढक देते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं, फिर हम इसका थेपला बनाएंगे। तो चलिए 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारा आटा सेट हो चुका है। हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे, एक लेमन साइज़ की बॉल के हिसाब से साइज़ के बॉल के पेड़े काट लेंगे और इसको हम ऐसे गोल गोल करके सूखे आटे में लपेटेंगे। सूखे आटे में लपेट के हम इसको बेलेंगे। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देते हैं, तवा गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब हम थेपला बनाते हैं, बेलते हैं। थेपले को हम बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेलेंगे, अच्छी तरह से बेल लेते हैं। हमने इसको बहुत ही पतला बेल लिया, आप देख सकते हैं कितना पतला है ये, बहुत ही पतला होता है। अब इसको हम तवे पर डाल देते हैं सेकने के लिए। तवा गर्म हो चुका है हमारा, तवे पर हम सेक लेते हैं इसको।
तब तक हम और बनाते हैं, और लोई लेके हम इसको बेलते रहेंगे। हमारा थेपला एक तरफ से सिक गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम पलट देते हैं, हल्का सा डार्क स्पॉट आने लगे हैं, इसको हम पलट देते हैं। और दूसरी साइड से भी हम इसको सेक लेंगे। हमारा फ्लेम मीडियम हाई पर होना चाहिए, पूरा हाई नहीं करेंगे। चलिए इसको सेक लेते हैं इस तरफ से भी। हमारा थेपला अब दूसरी साइड से भी सिक चुका है, देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून तेल, और इसको हम पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसको घुमा घुमा के ऐसे दबाकर अच्छे से सेक लेते हैं। हमारा पराठा सिक चुका है, थेपला दोनों साइड से आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं, ये सिक चुके हैं अच्छी तरह से। इसको हम निकाल देते हैं। बाकी के थेपले भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। इसी तरह से हम सारे थेपले बना लेंगे। हमारे थेपले बन गए, तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। आप भी इसे बनाइए, और ये आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर किसी चटनी या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला चीज़ है ये। तो आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, इन्जॉय।